दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर और आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे घरों में जो है रेगुलर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो ये मेरे पास आप देख सकते हो, ये फ़ैन है और ये काफ़ी जो है इसके अंदर जो है डस्ट लगी हुई है, तो इसको मैं अभी जो है थोड़ा टाइम में साफ़ कर लूँगा। तो दोस्तों, मैंने इसको खोल कर रखा है ताकि जो है आप लोगों का टाइम जो है बच सके, आप लोगों का टाइम जो है वेस्टेज ना हो। तो प्रॉब्लम जो है इसमें, ये हमारा जो है कैपेसिटर यहाँ पर देख सकते हो, तो ये कैपेसिटर जो है किस तरह से लगता है और इसका जो कनेक्शन है वो कैसे होता है, और किसी भी फ़ैन में अगर 3 वायर आ रहा है तो उसके अंदर जो है हम किस तरह से कनेक्शन करेंगे और कैसे जानेंगे कि कौन सा वायर हमारा क्या है और कैसे पता लगाएंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, लेकिन मैं अपना जो मेरा जो तरीका है मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको पता करते हैं, ताकि जो है आपको छोटा मोटा काम जो है आपके अपने घर का हो या फिर किसी और का, तो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से और आप अपने फ़ैन को जो है ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास जो है अभी फ़िलहाल जो है 3 वायर है यहाँ पर देख सकते हो, जो कि हमारे मोटर से आ रहा है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा कॉमन कौन सा है, रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है? तो बहुत आसान है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे इसको पता करना है। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास 3 वायर है, तो अभी हम क्या करेंगे, सीरीज बोर्ड लेंगे। तो मैं सीरीज बोर्ड को यहाँ पर रख देता हूँ, जिससे जो है आपको क्लियरली जो है दिख सके कि हमारा जो है लैंप कैसे है, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, हमारा सीरीज लैंप जो है, सीरीज का वायर हमें ले लेना है। तो कुछ इस तरह से, तो गाइस ये देखिए, मैंने सीरीज लैंप का वायर जो है ले लिया है यहाँ पर। और अब जो है कैसे हमें इसको चेक करना है, तो आप कौन सा भी एक वायर जो है, तो ज़्यादातर दोस्तों जैसे अब ये रेड है हमारा, तो ये रनिंग वायर है। तो मान के चलिए हमारा ब्लैक भी कॉमन हो सकता है या ब्लू भी कॉमन हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले हम ब्लैक वायर में एक रखेंगे, ये देखिए एक ब्लैक वायर में रखेंगे, उसके बाद हम रेड में लगाएंगे। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी सीरीज लैम्प का जो लाइट है, ये देखिए सीरीज लैम्प की जो लाइट है वो बहुत स्लो जल रही है। तो ये मान के चलिए कि हमारा जो रेड वायर है वो रनिंग के रूप में जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको जो है फिर से टेस्ट करेंगे। तो अब देखिए हमारा जो लैंप है स्लो जल रहा है, उसके बाद हम यहीं पर रखेंगे और उसके बाद हम ब्लू पे लगाएंगे। तो आप देख सकते हो कि लाइट जो है हमारा काफ़ी तेज जल रहा है, ठीक है? तो जब काफ़ी तेज जल रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये हमारा जो है ये हमारा कॉमन है जो ब्लू है, क्योंकि ब्लू पर जब रख रहे हैं हम यहाँ पर, तो लाइट जो है फुल जल रही है, मतलब हाफ जल रही है। तो यानी ये ब्लैक वायर हमारा स्टार्टिंग है, ठीक है? ये ब्लैक वायर स्टार्टिंग है और उसके बाद ब्लू और रेड पर रखेंगे हम। तो ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लैंप है वो हाफ ही जल रहा है, यानी हमारा जो ब्लू वायर है ये हमारा कॉमन है। तो अब हमें किस तरह से जो है इसका कनेक्शन करना है, चलिए बता देते हैं। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, कि हमें कैपेसिटर को जो है एक स्टार्टिंग में लगाना है। तो ये हमारा स्टार्टिंग वायर है। तो एक हमें जो है, हमेशा कोई भी फ़ैन हो, आपका सीलिंग फ़ैन हो या टेबल फ़ैन हो या टावर फ़ैन हो या कूलर फ़ैन हो, आपको हमेशा जो कैपेसिटर लगाना है आपको, एक हमें जो है रनिंग में लगाना है और दूसरी जो है हमें स्टार्टिंग में लगानी है, और कॉमन वायर में हमें कैपेसिटर का कोई भी वायर नहीं देना है, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा सा छील लेता हूँ। तो इसका वायर जो है काफ़ी मजबूत है दोस्तों, और ये दिखने में जो है बहुत पतला है, लेकिन इसका जो गेज है वो बहुत अच्छा क्वालिटी का है, इसीलिए इतना पतला कंपनी वाले ने इसमें जो है वायर डाला है, लेकिन इसका जो गेज है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये चलिए, मैंने यहाँ पर छील लिया वायर को, और अब जो है हम इसको रनिंग में कैपेसिटर का वायर यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है? ये देखिए इस तरह से कुछ जॉइंट कर लेते हैं।
तो ये मैंने अब इस तरह से जो है इसको ज्वाइन कर लिया है। तो अब हमारे पास जो है दो वायर कनेक्ट हो गए कैपेसिटर में, एक वायर हमारा जो है बचा है जो कि कॉमन, हम जिसको कॉमन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो है हम इस ब्लेड को जो है निकाल देता हूँ, मैं नहीं निकालता नहीं हूँ ना, आपको जो है क्लियरली नहीं दिखेगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो है हम, तो ये देखिए अब मैं क्या करूँगा कि एक वायर जो है हम यहाँ कॉमन को इसमें अटैच कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों चालू लाइन में आप बिल्कुल काम ना करें, अभी मेरे पास जो है ये चालू है मेरा ये सप्लाई, तो मैं चालू में इसको लगा रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है इस तरह से पकड़ लेता हूँ और थोड़ा सा कनेक्शन इस तरफ कर देता हूँ। तो इस तरफ से इस तरह से पकड़ लेना है और उसके बाद में जो है दोस्तों क्या करना है कि हमें एक वायर जो है रनिंग में लगाना है। तो ये देखिए जैसे मैंने इसमें लगाया तो ये जो है हमारा लाइट भी जल रहा है और ये थोड़ा सा जो है ब्लेड ये देखिए घूमना शुरू हो गया। तो अभी ये जो है हमारा ये देखिए उल्टे की तरफ घूम रहा है, तो हमें क्या करना है ब्लैक वायर में इसको देना है। तो जब हम ब्लैक में दे रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन जो है सीधा घूम रहा है, यानी हमारा रोटेक्शन जो है क्लॉकवाइज हो गया, क्योंकि हमारा लीफ जो है ये आप देख सकते हो क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्टली जो है काम कर रहा है। तो अब मैं इसको जो है आपको फास्ट में चलाकर दिखाता हूँ। तो ये देखिए अभी स्लो में जल रहा है, ये चल रहा है ये इस तरह से। अब मैं इसको ही यहाँ से मैं बोर्ड का एक बटन दबाऊँगा यहाँ पर, ये देखिए, और उसके बाद आपको जो है दिखाते हैं। ये देखिए आप, ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्टली जो है हमारा काम कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप कोई भी फ़ैन का कनेक्शन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आए तो इस मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हाँ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको किसी भी तरह का वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको जो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आपके किसी काम की जो है वीडियो हो तो छूट ना जाए। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और अच्छा रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।